कुर्बानी के वक्त में दुआ पढ़ने का सही तरीक़ा हमें मालूम होना चाहिए। अक्सर लोगों पहले नाम लेते हैं और फिर उसके बाद ज़ुबह करते हैं, ये तरीक़ा सही नहीं है। जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है उसका नाम कुर्बानी से फारिग होने के बाद लेना चाहिए, कुर्बानी से पहले नहीं लेना चाहिए। चुनांचे कुर्बानी करते वक्त में दुआ पढ़ने का सही तरीक़ा यह है कि जब जानवर को लेटा दिया जाए तो उस वक्त में ये दुआ पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ध़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका, ये कहकर जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़ुबह कर दें। जब ज़ुबह से फारिग हो जाएँ तो फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन, ये मिन कहने के बाद एक के नाम से कुर्बानी है तो एक का नाम लें, और अगर सात के नाम से कुर्बानी है, बड़े जानवर की कुर्बानी है, तो सात नाम यहाँ पर मिन के बाद ले लें। उसके बाद फिर आगे दुआ को कंटिन्यू करें, कमा तकबल तमिन खलीली का इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम व हबीबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी की दुआ पढ़ने का सही तरीक़ा है। इसको रिवाज देना चाहिए और इसको आम करना चाहिए। यह नहीं कि कुर्बानी से पहले सारे नाम लिए जाएं और फिर उसके बाद कुर्बानी कर रहे हैं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक।